हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होम आर्ट बाय रीत। मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हमें हाइट चैन कैसे लगानी है, पैंट प्लाजो पर लगानी है, सूट पर लगानी है या जैसे भी। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें हाइट चैन कैसे लगानी होती है। सबसे पहले हमें जिस कपड़े पर ये लगानी होगी उस तरीके से पैंट प्लाजो पर मैं लगा रही हूँ। पैंट प्लाजो की जिस साइड आपको लगानी है आप उस साइड देख ली। लेफ्ट साइड हम इसको लगाते हैं तो लेफ्ट साइड भी ही मैं इसको लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं इस तरह से अपने जो चैन है उसको उल्टा रखूँगी, यानी कि कपड़े की तरफ सीधा करके रखूँगी। आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है, तो आपको इस तरह से रख लेना है। साइड में थोड़ा सा मैं इसको एक पैर की सिलाई में लगाऊँगी ताकि मैं इसको अच्छे से बिठा सकूँ और यहाँ पर मैं इसका अच्छे से जो है वो कर सकूँ, इसको इधर उधर ना हिले डुले। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक सिलाई लगा दी है। तो उसके बाद देखिए मैंने जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमारी ये चैन है, जो हमारी ये जिप है, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार और। ये देखिए इस तरह से हमें इसको उठाना है और यहाँ पे हमें इसकी सिलाई बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आपको सिलाई लगानी है। बिना दूसरे पैर के आप इस पैर से ही सिलाई लगा सकते हो। देखिए इसमें कोई भी बड़ी वो नहीं है कि आपका पैर ख़राब हो जाएगा, आपकी सुई ख़राब हो जाएगी, नहीं। आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से इसको बना सकते हो, लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। दो ही सिलाई में मैंने इसको लगाया है और देखिए कितनी प्यारी सी और कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी ये चैन लग चुकी है। और दूसरी साइड जो हमारी बैक साइड होती है उस पर भी हमें ये चैन लगानी होती है। तो दूसरी वाली साइड हम कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो दूसरी वाली साइड का जो पार्ट होगा हमारा वो हम लेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला मेरा फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मैंने ये चैन लगा के आपको दिखाई कैसे लगानी है। और ये मेरा है दूसरे वाला पार्ट, ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया और ये है इसका दूसरे वाला पार्ट जो मैं इसमें जॉइंट कर दूंगी। आप चाहो पहले ही कर सकते हो, सिर्फ जितने में आपको चैन लगानी है उतना हिस्सा आप छोड़ दीजिए, बाकी आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा पार्ट ऐसे है, तो आप उस तरीके से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग ही रखा हुआ है। लाइनिंग वाला मेरा ये प्लाजो पैंट है, तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा। नीचे मोहरी वाली साइड से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आपको सिलाई लगानी है। आपकी सिलाई जो है अच्छे से लगा लेना आप, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वीडियोस हमारी जो आती हैं आप उनको देखिए, बहुत ही प्यारी और बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। बहुत ही शॉर्ट चीज़ में हम आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता देते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली थी यहाँ पर और ये है मेरा फ्रंट वाला पार्ट जहाँ पर मैंने पहले चैन लगाई थी, और नीचे है मेरा बैक वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे भी हम इसको सीधा ऐसे ही रख लेंगे और यहाँ से हम इसकी एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देती हूँ, आप चाहो तो इस तरह से देखिए ये मैंने इस तरह से इस पर एक सिलाई लगा ली बाहर वाली साइड से, ताकि ये चैन जो है अंदर की तरफ ना जाए। तो ये सिलाई मैंने लगाई और अब क्या करेंगे इसको हम इधर से जो है इसकी, जैसे मैंने दूसरे फ्रंट वाले पर लगाई थी ना चैन की साइड में एक सिलाई, वैसे ही हम यहाँ पर भी लगाएंगे इस तरह से। इसको चैन को हम बाहर की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर देंगे इसका और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे अपनी। ये देखिए बिल्कुल आराम से लग जाती है, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं होती कि हमसे नहीं लग रही है, हम कैसे करेंगे। तो ये आराम से लग जाती है, आप देख ले लीजिए कैसे मैं लगा रही हूँ। सिर्फ दो ही सिलाई मैंने लगाई है दोनों चैन पर, यानी कि टोटल मैंने चार सिलाई लगाई और चार सिलाई में जो है मेरी अच्छे से चैन यहाँ पर लग चुकी है। आप भी लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे अगर आपका इस तरह से अब लग रहा है कि आपको स्पेस रह गया है, तो आप इस ऐसे यहाँ पे जो है अपनी मशीन से सिलाई लगा लीजिए। चैन को मैं ऊपर कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से पकड़ लेना है और चैन को इस तरह से बंद कर देना है। बंद कर लीजिए या फिर खुला रहने दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपको सही लगे। मैं आपको एक बार बंद करके दिखा देती हूँ कि चैन किस तरह से हमारी बंद हो रही है, नहीं हो रही है, और कितना यहाँ पे कितना ये शो हो रही है। देखिए कितना शो हो रही है, ये आपको दिख ही रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सूट पर भी लगा सकते हो, अपने किसी भी पैंट प्लाजो पर सलवार पर, या जैसे भी आपको जहाँ पर भी चैन लगानी होती है या जिप लगानी होती है, तो आप उस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको चैन लगानी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियोस लेके आती रहूँ। छोटे छोटे ट्रिक्स जो होते हैं हमारी सिलाई के, वो मैं आपको बताती रहूँ, और कितना ही इजीली आप अपनी सिलाई कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो, वो चीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ आई है नहीं आई है। अगर समझ ना आई हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको बताऊँगी कि आपको कैसे करनी है। तो इस तरह से देखिए हमारी जान लग चुकी है साइड में, अब इसके ऊपर की हम बेल्ट लगा लेंगे और हमारा पैंट प्लाजो तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।